इस रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें विराजनाथ चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराजनाथ। अपने चैनल के साथ चले शुरू करते हैं मुद्दे के बाद। दोस्तों आज मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा, सिलेबस के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। मैं बना रहा हूँ कि मैं जो एक स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था जो डेट से ना, ठीक है, कोस्ट गार्ड नाविक जीटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो इलेक्शन की वजह से वो डेट चेंज हो गया है। ठीक है, देख सकते हो आप, जिनका सिकंदराबाद में था, ठीक है, तो उनका 11 अप्रैल की वजह से 12 अप्रैल को हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम के डेट चेंज हुए, जैसे अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वो न्यू मैंगलोर में है, उनका 23 अप्रैल को था, उनका 24 अप्रैल हो गया है। जैसे आज 18 तारीख है, तो इसके लिए मैं 15 ऊपर वाले का बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद जलंधर का भी चेंज हो गया है, ऑलरेडी एग्ज़ाम भी हो चुका है एक्चुअली। तो नोएडा में जो था, नोएडा हरियाणा एनसीआर, राजस्थान एनसीआर एंड उत्तर प्रदेश एनसीआर, उनका 29 अप्रैल को था, वो 1 मई को हो गया है, ठीक है। उसके बाद बनारस ही को जो 11 अप्रैल को था, वो 17 अप्रैल हो गया है। तो जिन जिन का भी मैं बोल रहा हूँ ना, जिन जिन का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, जैसे 17 वालों का हो गया या फिर 15 अप्रैल को हो गया जो, और 12 अप्रैल को हो गया, प्लीज़ अपने जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए या फिर मेरे को फेसबुक पे मैसेज सेंड कर दे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा फेसबुक का आईडी है, ठीक है। उसके बाद पारादीप में जो एग्ज़ाम होने वाला था 11 अप्रैल को, वो 13 अप्रैल को हो चुका है, तो मेरे को एक जो क्वेश्चन है वो ज़रूर सेंड करना, ठीक है। कोलकाता में 23 अप्रैल को था, वो 30 अप्रैल को होगा, ठीक है, जिनका 30 अप्रैल का था। उसके बाद 29 अप्रैल को जिसका था, वो 1 मई को हो गया है। जैसे हल्दिया में 30 अप्रैल को जिनका था, वो 26 अप्रैल को होगा, ठीक है। उसके बाद नोएडा बनारस में जिसका 6 मई को था, वो 10 मई को होगा, ठीक है। तो वैसे ऐसे एग्ज़ाम में का डेट चेंज हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, उसमें भी पूरा डेट शीट ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि करेक्टर सर्टिफिकेट क्या ज़रूरत है क्या नाविक जीडी एग्ज़ाम के लिए। तो करेक्टर सर्टिफिकेट नाविक जीडी एग्ज़ाम में के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है, तो मैंने भी एक वीडियो में बता दिया था कि मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट नाविक जीडी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है, लेकिन नाविक, सॉरी फॉर द मिस्टेक, एक्चुअली मैं कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है कोस्ट गार्ड का, उसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरी होता है, ठीक है। नाविक जीडी के लिए मतलब जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहिए नाविक जीडी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।